सो हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ इस पर। आज इसकी सेकेंड सर्विस है जिक्सर 250 की, तो सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको अपडेट दे देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का नॉइज़ है, उसके लिए माफ़ करना, लेकिन अब बनाना तो है यार। सो सेकेंड सर्विस का टाइम आ गया है और इसका करंट अपडेट यही है कि गाड़ी 4000 किलोमीटर के ऊपर हो गई है। और पता नहीं क्यों सुजुकी वालों ने मुझे जल्दी कॉल किया, यहाँ पे बोला कि 120 दिन में ही आपको सर्विसिंग करवानी है, लेकिन मैनुअल में लिखा है कि 165 डेज से 180 डेज़ के बीच में आना है। सो ये भी मुझे अभी क्लैरिफाई करना है इनसे कि ये लोग ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं। और बाकी अभी गाड़ी की कंडीशन थोड़ी गंदी हो गई है क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग राइड से आए हैं। बाकी बढ़िया है, सब सही चल रहा है, ब्रेक परफॉर्मेंस भी अच्छा ही है। एक मैंने चीज़ नोटिस की कि इसका अभी तक मैंने चेन एक बार भी एडजस्ट नहीं किया है, विच इज़ वेरी गुड कि मतलब 4100 किलोमीटर चल चुकी है और चेन अभी तक सिर्फ मतलब एक ही बार जब उन लोगों ने एडजस्ट करके दिया था सर्विस सेंटर वालों ने, तब से ही एडजस्टेड है। और ये डबल स्टैंड मैंने लगवाया है बाद में, सो ये भी अच्छा ही चल रहा है। मैंने बस टाइम टू टाइम चेन को क्लीन और ल्यूब किया है हर 1000 किलोमीटर्स पे, बाकी मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया और एडजस्ट वगैरह करने का टेंशन नहीं लिया मैंने। और टायर्स वगैरह भी वैसे ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नोटिस नहीं हुआ है मुझे 4000 किलोमीटर में। ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रेक्स का यहाँ पे दिखता है मतलब हेल्थ काफ़ी अच्छा है। मैं दोनों ब्रेक्स में अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन काफ़ी ब्रेक्स बचे हुए हैं। और बस बाकी कुछ नहीं, गाड़ी थोड़ी गंदी है, ब्रेक्स और क्लच वगैरह भी सब सही चल रहा है। क्लच अभी भी मुझे हार्ड ही लग रहा है 4000 किलोमीटर चलाने के बाद। सो यप, दैट्स वन थिंग, अगर आप सुजुकी ले रहे हो तो रेडी रहो। और ये मैंने टैंक पैड लगवाया था अमेज़ॉन से, 200 रुपये का टैंक पैड था, 200-250 रुपये का। सो ये भी एक अच्छा टैंक पैड था, मतलब काफ़ी बड़ा है, इस साइड से प्रोटेक्शन भी है, ये भी एक करवा दिया था। सो अभी सर्विसिंग में देते हैं गाड़ी, देखते हैं क्या होता है, कितना बिल आता है। फर्स्ट सर्विस का बिल अराउंड 1090 रुपीज़ आया था, अब देखते हैं। मुझे लग रहा है सेकंड सर्विस में या तो सेम ही आएगा क्योंकि इंजन ऑयल वापस चेंज होने वाला है, या फिर अगर इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा अगर लिया तो फिर अलग बात है, देखते हैं क्या होता है। अभी तक कोई इंजन ऑयल अभी तक लीक वगैरह कुछ इशू नहीं है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो सब बढ़िया है। ये मैंने मड फ्लैप लगाया था, इसकी वजह से मेरी गाड़ी सामने से काफ़ी कम गंदी हो रही है, नहीं तो यहाँ पे पूरा मिट्टी का पूरा ये था, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसके ऊपर मैं एक अपडेट कम्युनिटी पोस्ट में अपना डाल दूंगा, ये अच्छे से काम कर रहा है। मैंने इसका लेग गार्ड भी निकाल दिया था, काफ़ी चीप क्वालिटी का लेग गार्ड था। सो यही सब अपडेट है इसका, अभी इसको पार्क कर देते हैं, जाके अंदर बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है, चलो। सो फर्स्ट सर्विस हो गई है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और सुबह मैंने दिया था इसको अराउंड 10 बजे के आसपास। सो उन लोगों ने बोल दिया था कि शाम तक ही आना। सो आप देख सकते हो अच्छे से बाइक क्लीन वगैरह भी की है इन लोगों ने, और इंजन ऑयल भी चेंज हुआ है इस बार सर्विस में। इंजन ऑयल थोड़ा महंगा हो गया है, 40-50 रुपये, बाकी सब ठीक है। सो सेकेंड सर्विस का जो हम लोगों को कॉस्ट आया है वो अराउंड 1150 रुपये के आसपास आया है। इसमें गाड़ी वॉश करना, इंजन ऑयल चेंज करना, ऑयल फिल्टर चेंज करना, ये सब हुआ है। एयर फिल्टर का मैं अभी बोला तो नहीं था मैंने इन लोगों को, पता नहीं इन लोगों ने क्लीन किया होगा कि नहीं, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है उसमें। सो मैं अभी बिल दिखा देता हूँ। सो ये है बिल, ये है इंजन ऑयल जो मोटर का डालते हैं ये लोग, फिर फिल्टर एयर ऑयल फिल्टर, और कंज्यूमेबल चार्ज ये भी 60 रुपीज़ हो गया है, अभी पहले 50 रुपये पहले लेते थे। सो इसमें से हम लोग देख सकते हैं 889 का इंजन ऑयल है, आई डोंट नो क्लियर होगा कि नहीं, 889 का इंजन ऑयल है और 33 रुपीज़ का इसका ऑयल फिल्टर है और 60 रुपीज़ का ये है, तो टोटल करते करते 1158 यहाँ पे 1159 हो गया है फर्स्ट सर्विस के हिसाब से, कंसिडरिंग कि ये लोग मोटुल का अच्छी क्वालिटी वाला तेल डाल रहे हैं 7100। और हाँ बाकी तो एज सच अभी तक कोई इशू नहीं आया 4000 किलोमीटर में। सो यप, यही था एक क्विक शॉर्ट वीडियो बताने के लिए, यहाँ पे आप आ सकते हो अगर आप कल्याण में रहते हो तो, दे डू अ गुड जॉब। बाकी उन लोगों ने बोला है ब्रेक पैड्स वगैरह भी उन लोगों ने क्लीन किए हैं,
अभी क्या पता सच में किए भी है कि नहीं, बिकॉज अपने सामने तो करता नहीं है कोई कुछ, सो कांट गारंटी एनीथिंग अबाउट दैट। बाकी तो सब बढ़िया है। Thank you.